मेरा नाम शांत है। कितनी उम्र है? उम्र ये 80 साल। अच्छा, हाँ। कितने तेरो ये वोट पाते? वोट पाते बच्चा मी कोई गिनने नहीं आता, जिन्ना उम्र होई इ लगे पान वोट तो पा रहे, वोट जिथे आखे उथे पा दिते वोट, अच्छी चंगा जगह पाई दी वोट, जिथे आए उथे पाए। ये सोच विचारी है वोट पाते होंगे? सोच विचारी है जी, लाई दिता नंबर। तरक्की करे? हाँ, जिथे तरक्की करे उथे वोट पाई दिता, सारे देश वास्ते ये चंगा उथे वोट पाई दिता। हाँ, बस इे वोट पाई दिता मैं, होर उधर भी अगर आता नहीं किसी आखे तो मैं कर सकती हाँ। लोकतंत्र का महापर्व और मतदान का दिन है, दूसरे चरण के मतदान चल रहे हैं। जम्मू, रियासी और सांबा लोकसभा सीट पर मतदान हो रहा है और इस समय हम गगवाल इलाके में हैं। गगवाल के राजपुरा मॉडल पुलिस स्टेशन पर हम खड़े हैं और यहाँ पर भी सुबह से ही जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और अपना मतदान कर रहे हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेंद्र सिंह। सुरेंद्र जी, क्या सोचकर इस बार मतदान किया आपने, क्या क्या मुद्दे रहेंगे दिमाग में, जिस तरह से आपने सुबह से यहाँ पर लाइनों पर लग के आपने मतदान यहाँ पर किया है? देखो, ये वोट डालना ये सबका मानव अधिकार है, ये लोकतंत्र है। हम चाहते हैं कि हर इंसान के विकास के लिए कोई कैंडिडेट अच्छा हो जिसको वोट डाले जाएं, क्योंकि गरीबी रेखा को भी दूर करना है, सब कुछ दूर करना है। इसको देखते मद्देनजर रखते हुए जो कैंडिडेट वो अच्छा कैंडिडेट चुनना चाहिए और जो हर इंसान के लिए हित में हो उसके लिए हम जो है अदा करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये बॉर्डर एरिया है, गगवाल इलाका है, राजपुरा है, तो यहाँ पे लोग बड़े पिछड़े हुए हैं, बड़े गरीब लोग हैं जिनकी कोई सुनवाई नहीं हुई आज तक ना हुई है। अच्छा, क्या क्या मुद्दे हैं इस इलाके की अगर बात की जाए तो, क्या क्या मुख्य मुद्दे हैं जो आप चाहते हैं कि आने वाले समय वो मुद्दों को जो है जो भी प्रत्याशी यहाँ पर जहाँ से चुन कर जाए उनसे उनको गंभीरता से ले? देखो, मुद्दे तो बहुत सारे हैं बॉर्डर इलाके में, जो कि जैसे बॉर्डर के ऊपर जो लोग रहते हैं उनको पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग होती है, जैसे फसल होती है फसल के टाइम पर जो वो छेड़खानी करते हैं, और कैंडिडेट जो बनेगा हमारा उसको मुद्दा उठाना चाहिए कि ये ऐसा ना हो, चाहे वो सेंटर में उठाएं। काफ़ी समय से सीज़ फायर है, काफ़ी समय से अभी सीज़ फायर चल रहा है, लेकिन लोग तो परेशान ही रहते हैं, टेंशन में रहते हैं 24 घंटे। बाकी उसके बीच में भी जो ये राजपुरा इलाका है, इधर आसपास के जो गाँव हैं जहाँ पे कोई भर्ती नहीं होती है, रोज़गार मिलता नहीं है, बच्चे खज्जल खराब हो रहे हैं, बच्चे पढ़े लिखे हैं लेकिन उनको कोई सुनाई नहीं करता है। कुछ और लोग भी हैं हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका और आज मेरा नाम प्रीतम दास है। मैं ये जाता हूँ कि जैसे 4 साल की भर्ती की है इन्होंने, वो 4 साल में तो वो कुछ भी नहीं बन सकता। अग्निवीर योजना की बात कर रहे हैं, नहीं होना चाहिए, और जैसे पहले भर्ती थी वैसे होनी चाहिए। हमारे कम पढ़े हुए लोग बॉर्डर के एरिया में इतनी पढ़ाई नहीं है, मुश्किल से 10वीं पास करते हैं, उनको वही जो पहले रूल था कि कम मैक्स जो कम नंबर लेकर भी उसको भर्ती फौज में हो जाता था देश की रक्षा करने के लिए, अभी तक वो भर्ती मोदी ने बंद की दी है। बाकी अगर लड़का किसी का एक है तो फौज में भर्ती किया गया, उसने पाप किया कि देश की रक्षा कर रहा है, उसको ना तो पेंशन है बूढ़े को, ना ही किसी को कोई बेनिफिट है, ना किसानी को बेनिफिट है। ये मोदी बहुत सरासर गलत कर रहा है हमारे लिए। अच्छा, इलाके के मुद्दों की अगर बात की है, क्या क्या मुद्दे हैं इस इलाके के, इसके अलावा अगर बात की जाए तो? इसके अलावा बेरोजगारी ज़्यादा है, गरीबी बहुत छाई हुई है हमारे, हैं तो इसके लिए कोई ऐसा रोजगार हमारे लिए इधर कहीं फैक्ट्री या कहीं बच्चा कमा के खा ले ऐसा, और जो पढ़े लिखे लड़के हैं उनको मैक्सिमम नंबर लेके भी नौकरी मिल जाए ऐसा हम चाहते हैं। उनसे बात करेंगे। आप भी आप वोट कास्ट करने के लिए अपने घर से निकली हैं, घर का काम काज जो है वो खत्म करके निकले हैं या अभी करके घर पर जाके काम करना है? नहीं, थोड़ा बहुत हम काम करके ही आए हैं, और अभी वोट डाल के आए हैं, अच्छा लग रहा है। सबसे पहले आपने वोट डाला सुबह दिन की शुरुआत?
तीन चार मेरे आगे थे और मैं पांचवें नंबर पे थी। अच्छा, क्या क्या मुद्दे रहेंगे जिस इस बार वोट आप कास्ट करने के लिए दिमाग में क्या मुद्दे रहेंगे? मुद्दे यही है कि बच्चों को जैसे अभी पढ़ रहे हैं बेचारे, उनको नौकरी मिलनी चाहिए। कुछ बच्चे हैं जैसे मेरे भाई के बच्चे हैं, उन्होंने एमएमए कर रखी है, अभी घर में ही बैठे हुए हैं, तो उनको भी थोड़ा आगे मिलनी चाहिए ना नौकरी वगैरह कुछ। क्या करेंगे अभी लड़के, तो दोनों लड़के हैं, दो ही लड़के, दोनों ही पढ़े हुए हैं एमएमए के लिए। मुद्दा क्या है यहाँ पर, रोजगारी मुद्दा है, इसके अलावा कोई मुद्दे हैं? यही है, और अभी हमारी लाइट भी चेंज हो रही है तो इसको भी थोड़ा देखना चाहिए। प्राइवेट हो जाएगी तो फिर जैसे गरीब हैं, थोड़े ज़्यादा ही गरीब हैं, जो उनको कैसे बेचारे गर्मी में रहेंगे, थोड़ा देखो। तो उसके आधे माता जी के होना चाहिए, के मुद्दे जड़े है इस इलाके दे हैं? होना की चाहिए, बच्चे साढ़े पढ़ी लिखे खज्जल होन दे ना, एमएमए कर लिया उन्हें, तो जिधर जाते हैं उधर इं आ जाते बेचारे। हाँ, तो चलो बच्चे कोई रोजगार मिलना चाहिए। हाँ, के लगता कि जो नवा नुमाइंदा थोड़ा चनोग और थोड़ी जी गल है जो सेंटर चक। हाँ, मनोग वो साड़ी गल, सारा नवा प्रधानमंत्री होना चाहिए। हाँ, तो ये लोग यहाँ से सुबह से लाइनों में लगे हुए हैं और अपना वोट कास्ट करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं, और खासकर महिलाएं जो अपने घरों पर घर का काम छोड़कर सबसे पहले यहाँ पर वोट कास्ट करने के लिए पहुँचे हुए हैं। और इस वक्त हम लोग गगवाल ब्लॉक के राजपुरा इलाके में हैं, जहाँ पर मॉडल पोलिंग स्टेशन जो है वो बनाया गया है, और इसके अलावा कई आसपास के पोलिंग स्टेशन हैं, और यहाँ पर सुबह से ही लगातार लोगों के आने का सिलसिला जारी है। हालांकि मतदान की जो गति है वो थोड़ी धीमी है, क्योंकि लोग जो हैं अभी सुबह सुबह का समय है, लोग अपने घरों से थोड़ा कम निकल रहे हैं, अपने सुबह के काम काज में काफ़ी ज़्यादा व्यस्त हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि आने वाले समय में यहाँ पर लोग जो है काफ़ी तादाद में यहाँ पर पहुँचेंगे और अपने मत का प्रयोग करेंगे। गगवाल से सरबजीत सिंह, जेके मीडिया के लिए।